मध्य प्रदेश के इंदौर में तेज रफ्तार BMW कार ने स्कूटी सवार दो लड़कियों को टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की मौत हो गई। बता दें कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों लड़कियां स्कूटी से 15 फीट हवा में उछल गईं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शनिवार देर रात हुए इस हादसे के बाद BMW चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कार मालिक और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना महालक्ष्मी नगर इलाके की है। जानकारी के मुताबिक दीक्षा जादोन और लक्ष्मी तोमर नाम की लड़कियां मेला देखकर घर लौट रही थी। इसी दौरान गलत दिशा में आ रही BMW कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। स्कूटी पर सवार एक युवती करीब 20 फुट और दूसरी करीब 75 फुट दूर जा गिरी थी। इसके बाद कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए जल्दबाजी में केक लेकर गलत दिशा में जा रहा था और वह नशे में था। आरोपी गजेंद्र के पास अपने दोस्त के घर पर जश्न मनाने के लिए लगभग 5 मिनट बचे थे। कल रात्रि में लगभग 11:30 बजे एक कार BMW कार चालक द्वारा स्कूटी कार में टक्कर मार दी गई थी, जिसमें दीक्षा यादव और लक्ष्मी तोमर दो लड़कियों की मृत्यु हो गई इलाज के दौरान, जिस पर से BMW कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और गैर इरादतन हत्या का प्राथमिक साक्ष्य प्राप्त होने पर उसके खिलाफ 105 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिखा पड़ी जारी है और विवेचना के उपरांत उसे माननीय न्यायालय आरोपी को क्या नाम है, कहां करने वाला है और घटना के बाद कहां? ये जो आरोपी है गजेंद्र गुजर करके हैं और यह ग्वालियर का रहने वाला है मूलतः, और 2018 से इंदौर में रह के पढ़ाई कर ये अपना जॉब कर रहा है। अभी वर्तमान में टास्कस कंपनी में काम कर रहा है। ये घटने के बाद डर के अपने दोस्तों के यहाँ छिप गया था, फिर सन सिटी से इसको विधिवत गिरफ्तार किया गया। एक्चुअली इसके दोस्त का बर्थडे बता रहा है कि उसका 12 बजे केक काटना चाह रहा था, उससे पहले स्पीड में जा रहा था और इसी दौरान इसने रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई और स्कूटी सवार जो लड़कियां थी उन दोनों की में टक्कर मारी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ये लड़कियां कौन है और क्या करती थी? इसमें दीक्षा जादोन और लक्ष्मी तोमर दोनों लड़कियां यहां पर PU4 में निवास रहती है और प्राइवेट कंपनी में काम करती हैं। गाड़ी भी जब्त कर ली है और आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया। BMW कार चालक गजेंद्र के खिलाफ गैर इरादन हत्या की धारा में कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गजेंद्र तुलसी नगर में एक किराए के मकान में रहता है। हादसे के बाद वह अपने सीनियर पंकज के घर पहुंचा था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने कुछ समय पहले ही सेकेंड हैंड कार खरीदी थी और वह टास्क US कंपनी में काम करता है।